में नया बाबर आजम आया, सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पाकिस्तान टीम को मिल गई नई रन मशीन, 81 के औसत से बनाता है रन। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट फॉर्मेट में मिल गया है उसका नया बाबर आजम। मात्र 11 पारियों में, सिर्फ और सिर्फ 11 पारियों में 2 शतक, 5 अर्धशतक, 81 का औसत। हर मुकाबले में ठोकता है शतक या अर्धशतक, 6 मैच में लगातार किया कमाल। जिस क्रिकेटर ने ये करके दिखाया है उसका नाम है साउथ शकील, जिसका नाम आज सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है। बाबर सरफराज सफेल नए बल्लेबाज ने बचाई पाकिस्तान की इज्जत। जुलाई को जो साउथ शकील ने कारनामा किया है वो कारनामा बहुत बड़ा उन्होंने कर दिया, और पाकिस्तान के खिलाड़ी के तौर पे हर जगह साउथ शकील की ही बात हो रही है। पाकिस्तान के साउथ शकील की शानदार पारी सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने भरोसा दिया कि साउथ शकील एक रन से हल्का खेल सकते हैं, तो हैट्स ऑफ टू भाई सलमान एंड हैट्स ऑफ टू साउथ शकील यार। जैसा साउथ शकील और आगा सलमान के आगे बेबस श्रीलंका। आज जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है तो सबसे बड़े बल्लेबाज का अगर नाम आता है तो वो है बाबर आजम, और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट फॉर्मेट में मिल गया है उसका नया बाबर आजम, जिसका नाम है साउथ शकील। और साउथ शकील ने श्रीलंका में पाकिस्तानी बल्लेबाज की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। पहले बल्लेबाज बन गए हैं श्रीलंका में पाकिस्तान की तरफ से 2 शतक जड़ने वाले। अगर हम साउथ शकील की बात करें तो साउथ शकील ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में 2 शतक जड़ दिया है। ये उनके टेस्ट करियर का पहला 2 शतक है। लंका में 2 शतक जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं साउथ शकील। साउथ शकील ने मोहम्मद हफीज के रिकॉर्ड को तोड़ा। हफीज ने श्रीलंका में पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 196 रन बनाए थे, और 2 शतक लगाने वाले 23वें पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। 7 बार तो इनकी हाफ सेंचुरी या फिर सेंचुरी आकाश, मतलब जिस तरह से शुरुआत हुई है इस करियर की, शायद पाकिस्तान के लिए इस WTC के साइकिल में काफी वो मसले जो है वो हल हो जाएंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, मतलब एक समय पर पाकिस्तान 101 पर 5 311 312 का पीछा करते हुए बहुत ही मुश्किल हालात में थे वहां पर पाकिस्तान की टीम, और वहां से जिस तरीके से पार्टनरशिप हुई 177 रनों की पार्टनरशिप, बहुत बड़ी पार्टनरशिप, और साउथ शकील ने जिस तरीके से खेला, ये मतलब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक बहुत ग्लिम्स दिखाया है कि आगे चलकर ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं, जिस तरीके से प्रेशर सिचुएशन में रन बनाया। और यहां की बात नहीं कर रही, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब जब दबाव डला है वहां पर इन्होंने आकर पार्टनरशिप लगाई हो, फिर वो चाहे पिछले सीरीज में अगर हम देखें तो वहां पर सरफराज अहमद के साथ मुझे एक पार्टनरशिप याद पड़ता है जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम घर पर खेल रही थी, वहां भी इस खिलाड़ी ने रन किए। आज भी मतलब कल के दिन हमने देखा कैसे श्रीलंका की टीम दबाव बना रही थी पाकिस्तान के ऊपर, उस समय पाकिस्तान लग रहा था कि कहीं एक और विकेट आता तो शायद फिर उनका बुरी तरीके से कोलैप्स भी हो सकता था, लेकिन वहां से इस खिलाड़ी ने आगा सलमान को भी दाद देनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने इनका साथ निभाया, और इन दोनों ने मिलकर जो पार्टनरशिप करी वहां से एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान मुकाबले में कहीं भी नहीं, अगर अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अभी तक का पूरा मैच खंगाल के देखे, उठा के देखे तो जो पहली इनिंग्स में हुआ था के श्रीलंका के भी शुरू के 4 विकेट जो है पहले सेशन में ही चले गए थे 65 पे, उसके बाद जो है मैथ्यूज और धनंजय डिसिल्वा की पार्टनरशिप होती है लगभग 100-120 रनों की पार्टनरशिप, उसके बाद फिर डिसिल्वा से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहां पे खास बात ये थी, इस पार्टनरशिप की हम बात करें, यहाँ पे खास बात थी वहां पर पूरी इनिंग्स में वो सिर्फ एक ही पार्टनरशिप आई जो उन दोनों के बीच है, डिसिल्वा और मैथ्यूज के बीच। यहाँ पर आप देखें ना तो जिस तरीके से सलमान आउट हुए उसके बाद भी आप देखें साउथ शकील खेल रहे हैं, उनका साथ कौन दे रहा है, नुमान अली, जो कि लगभग आप देखेंगे तो 30-40-50 के आसपास गेंदे खेल चुके हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा वहां पर एक खिलाड़ी ने रन, दो खिलाड़ी ने यहां पर रन बनाए, वहां पर भी 2 खिलाड़ियों ने रन बनाए थे लेकिन बाकी के प्लेयर्स ने साथ नहीं दिया। वहां पर सदीरा समर विक्रमा थे, वो फिर थोड़ा सा 33-35 रन उन्होंने बनाए, स्टार्ट मिली उसको लंबा नहीं खींच पाए। तो इस इनिंग्स में आप देखेंगे तो आप देखोगे चाहे आगा सलमान हो या फिर साउथ शकील हो, दोनों ने दोस्तों पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है साउथ शकील की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं, जिसको कंपेयर किया जा रहा है बाबर आजम के साथ। जैसा कि कहा जा रहा है कि साउथ शकील के बारे में, क्योंकि वो बाबर आजम की जगह ले रहे हैं और उन्होंने जैसे कि अपनी बैटिंग की है पिछले
9 मैचेस में 11 मैचेस में जैसी भी बैटिंग की उन्होंने, उस सब का हिसाब किताब जो है वो आप लोगों के सामने, तकरीबन 81 की औसत से उन्होंने अपना रन्स बनाए हैं और स्ट्राइक रेट भी सही है उनका। दूसरा ये कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है जिसकी वजह से तमाम के तमाम जो है लोगों को उन्हें इम्प्रेस किया है, जो लोग उनके बारे में बोल रहे थे कि ये जो है कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है साउथ शकील के बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।